पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दिस इज नॉट ए कॉर्डेट करेक्टर, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉर्डेट करेक्टर नहीं है। तो पहला देखो, तीनों हम लोगों ने पढ़े थे जो करेक्टर हैं, ये तीनों फंडामेंटल करेक्टर्स हैं। तो चौथा दिया हुआ है करेक्टर ये वाला, ये करेक्टर नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? डी, क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक नहीं होते हैं। ये कौन से होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं कॉर्डेटा के एनिमल्स। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, नोटोकॉर्ड इज कन्फाइंड टू प्रोबोसिस इन, नोटोकॉर्ड प्रोबोसिस में किस में पाई जाती है? तो हेमिकॉर्डेटा के एनिमल्स में ऐसा मानते हैं कि नोटोकॉर्ड कहाँ पाई जाती है? प्रोबोसिस वाले रीजन में, कुछ साइकिल्स का कंटेस्ट का मानना है। तो ये करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तीसरा है, प्लेकॉइड स्केल्स आर प्रेजेंट इन, तो प्लेकॉइड स्केल्स जो पाए जाते हैं, जानते हो कार्टिलेजिनस फिश में पाए जाते हैं। तो निम्नलिखित में से जो कार्टिलेजिनस फिश है वो कौन सी है? स्कोलियोडॉन है। बाकी सब कौन सी हैं? बोनी फिशेस दी हुई है यहाँ पर। अगला है, फर्स्ट जॉड वर्टिब्रेट्स बिलोंग टू द क्लास, पहले जबड़े वाले वर्टिब्रेट्स कौन सी क्लास में हैं? तो प्लेकोडर्माई, ऑस्ट्रेकोडर्माई, कॉन्ट्रेक्टीज और साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा में तो जॉलेस आते हैं, तो कौन से हो जाएंगे? ये प्लेकोडर्माई वाले हो जाएंगे। ठीक, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसका, प्लेकोडर्माई वाले पहले जबड़े वाले वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, द एंडोस्केलेटन ऑफ कॉर्डेट एनिमल इज, कॉर्डेट एनिमल का जो अंतःकंकाल है वो कैसा होता है? लिविंग स्ट्रक्चर, मतलब जीवित संरचना है, लिविंग स्ट्रक्चर विदाउट ग्रोथ, जीवित संरचना है लेकिन ग्रोथ नहीं पाई जाती है। सी ऑप्शन है, लिविंग स्ट्रक्चर है लेकिन ग्रोथ पाई जाती है। तो करेक्ट यही हो जाएगा, क्योंकि लिविंग स्ट्रक्चर है और ग्रोथ भी पाई जाती है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा हड्डियां जो है जन्म, मतलब जो है बढ़ती हैं, शुरुआत में छोटी होती है, बाद में धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। तो ये भी एंडोस्केलेटन है, तो एंडोस्केलेटन कैसा होता है? जीवित होता है और इसमें ग्रोथ भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ऑल कॉर्डेट्स, निम्नलिखित में से कौन सा सभी कॉर्डेट्स में पाया जाता है? तो सभी कॉर्डेट्स में क्या क्या पाया जाता है? एक तो अम्बिलिकल कॉर्ड, ये नहीं पाई जाती है सभी में, क्योंकि ये केवल वर्टिब्रेट्स में मिलती है। वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, ये जो है वेंट्रल नहीं होती है, डॉर्सल पाई जाती है सभी कॉर्डेट्स में। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिमिटिव क्लास ऑफ कॉर्डेट्स कंटेनिंग एम्फीऑक्सिस एंड फ्यू रिलेटेड फॉर्म्स विच आर ऑल मैराइन, निम्नलिखित में से कौन सा कॉर्डेट का जो क्लास है उसमें एम्फीऑक्सिस पाया जाता है तथा इससे संबंधित कुछ फॉर्म्स पाई जाती हैं जो कि सभी मैराइन हैं? तो कौन सा है? हम लोग जानते ही हैं एम्फीऑक्सिस जो पाया जाता है वो कितने है? सेफेलोकॉर्डेटा में पाया जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉर्डेट बट नॉट ए वर्टिब्रेट, तो हम लोगों ने पढ़ाई है कि सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं, लेकिन सभी वर्टिब्रेट्स कैसे होते हैं? कॉर्डेट्स होते हैं। तो इसमें जो एम्फीऑक्सिस है ये कॉर्डेट नहीं है, ये क्या, वो सॉरी वर्टिब्रेट नहीं है, ये क्या है? कॉर्डेट है। अगला नाइन्थ जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके ऑप्शन जो है अगले पेज पर हैं, पढ़ लेते हैं हम लोग। नेम द प्रिमिटिव वर्म लाइक एनिमल्स विच हैविंग सर्टेन कॉर्डेट फीचर्स सच एज गिल क्रैब्स एंड स्मॉल नोटोकॉर्ड इन द एंटीरियर रीजन ऑफ द हेड ओनली, तो मतलब उस प्रिमिटिव वर्म लाइक एनिमल का नाम बताइए जिसमें कुछ कॉर्डेट करेक्टर हैं जैसे गिल स्लिट्स, मतलब गिल क्लेफ्ट या गिल स्लिट्स, तथा एक स्मॉल नोटोकॉर्ड पाई जाती है अगले भाग में। तो वो कॉर्डेट करेक्टर कौन सा है, कौन सा एनिमल है? इसमें दिया हुआ है, पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है ये है सिफेलोकॉर्डेटा, तो दूसरा हेमिकॉर्डेटा ही हो जाएगा क्योंकि ये डाउटफुल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दसवां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ मेंबर ऑफ यूरोकॉर्डेटा और टूनिकेटा, तो यूरोकॉर्डेटा और टूनिकेटा के मेम्ब्रेन का मेंबर का कौन सा करेक्टर नहीं है? तो देखो, नोटोकॉर्ड हॉलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल स्टेज, ये भी एक करेक्टर है क्योंकि लार्वल स्टेज में ही नोटोकॉर्ड पाई जाती है हॉलो
और नर्व कॉर्ड पाए बहुत सॉरी नोटो कॉर्ड तथा हॉलो नर्व कॉर्ड पाई जाती है। दूसरा है द बॉडी इज एक्सटर्नली कवर्ड बाई थिक सेलुलोज क्यूटिकल या ट्यूनिक, ये भी बिल्कुल सही है, ट्यूनिक भी पाई जाती है। सीलोम एबसेंट होती है, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। ये मतलब इन निम्नलिखित में से कोई ऐसा करेक्टर नहीं है जो टूनिकेटा का ना हो, सभी करेक्टर टूनिकेटा के हैं। अगला 11वां क्वेश्चन, नेम द एनिमल ग्रुप हुज नंबर्स आर कंसीडर्ड डाउटफुल कॉर्डेट्स। ये तो इसमें कुछ देखना ही नहीं है, हेमिकॉर्डेटा है डाउटफुल कॉर्डेट। 12वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ मेंबर ऑफ द सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा। निम्नलिखित में से कौन से मेंबर सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा के करेक्टर हैं, तो कौन से करेक्टर सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा के, भाई है कि टेल रीजन में क्या पाई जाती है, नोटोकॉर्ड पाई जाएगी। तो ये डी वाला हो जाएगा, नोटोकॉर्ड फाउंड इन लार्वा एंड इज कन्फाइंड टू द टेल ओनली। अगला है कॉर्डेट्स विद ए बैकबोन और कॉल्ड, जिन कॉर्डेट्स में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, जानते ही हो आप लोग, वर्टिब्रेट्स कहते हैं उन्हें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट ए वर्टिब्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा एनिमल वर्टिब्रेट नहीं है, तो देखो कौन सा नहीं है, सी स्क्वायर्ड नहीं है, इसका नाम है हर्डमानिया, बाकी सभी क्या है, वर्टिब्रेट है। सी हॉर्स है, क्योंकि हिप्पोकैम्पस किस में आता है, फिशेज में आता है, पाइसिस में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, सी स्क्वायर्ड। अगला, स्केल्स इन द शार्क आर, शार्क में जो स्केल्स होते हैं ये बहुत अपने आप में अनोखे हैं, ये प्लेकॉइड टाइप के होते हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है 16वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनेमनियोट एनिमल। अनेमनियोट वो होते हैं जिनमें भ्रूणीय कला नहीं पाई जाती है, मतलब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स नहीं पाई जाती है, तो पाइसिस में नहीं पाई जाती, बाकी सभी वर्टिब्रेट्स में मिलेंगी, केवल पाइसिस को छोड़कर। तो पाइसिस में कौन सा आता है, लेबियो, तो लेबियो में नहीं पाई जाती, बाकी क्रोकोडाइल में भी होंगी और कोलंबा में भी होंगी और रेटस में भी होंगी। तो ये थे हमारे 16 क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉर्डेटा से रिलेटेड, आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर इससे संबंधित आपके कुछ भी डाउट वगैरह रह गए हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उन क्वेश्चन को दोबारा समझा दूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद।